दोस्तों ये है डेल का इंस्पिरॉन 14 2-in-1 लैपटॉप। बेसिकली अगर आप स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर घर में यूज करना है या प्रोफेशनल हो, तो ये लैपटॉप वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है, क्योंकि आप इसको 2-in-1 की तरह यूज कर सकते हो, इसको टैबलेट की तरह भी यूज कर सकते हो, इसको लैपटॉप की तरह भी यूज कर सकते हो, एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए जल्दी से इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। और अभी के टाइम पे आप 50 से लेकर 55,000 के बीच में कोई लैपटॉप बाय करना चाहते हो तो ये लैपटॉप डेफिनेटली आपके लिए होने वाला है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो अगर मैं इस लैपटॉप के वेट की बात करूं तो 1.58 ग्राम इसका वेट होने वाला है। हाँ, स्लाइटली थोड़ा सा वेटेड है, लेकिन ये मिडल में आता है, बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं है, या फिर आप इसको बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं बोल सकते हो। जो मटेरियल है वो हार्ड प्लास्टिक है, प्लस यहाँ पे आपको नीचे की तरफ दो एयर वेंट्स भी मिल जाते हैं, वो इनफ्लो के लिए है, और ये पीछे की तरफ जो आपको एयर वेंट्स मिलते हैं, जो दो एयर वेंट्स मिल रहे हैं, वो आउटफ्लो के लिए है। लेकिन इसके लुक एंड डिजाइन की बात करूं तो काफी ज्यादा आपको प्रीमियम मिलने वाला है। पोर्ट्स एंड बटन्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 2 USB Type-C मिलते हैं, जो कि थंडरबोल्ट है, जहां से आप चार्ज कर पाओगे। 65 वॉट का आपको चार्जिंग भी मिल जाता है, फुल HDMI पोर्ट भी है, LED इंडिकेटर भी है वहीं साइड में, एंड ऑन द राइट साइड आपको वहाँ पे SD कार्ड स्लॉट मिल जाता है, USB टाइप ए है, 3.5 mm हेडफोन जैक भी है। बेसिकली ये जो 3.5 mm हेडफोन जैक है वो थोड़ा पीछे की साइड है, जनरली वैसे ये आगे मिलता है, लेकिन इट्स ओके। लेकिन यहाँ पे आपको सारे पोर्ट्स एंड बटन्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो जब आप ये लैपटॉप खोलते हो तो ये लैपटॉप 1 degree हिंज ना करके 360 हिंज तक हो जाता है, यानी कि आप इसको टेंट मोड पे भी यूज कर सकते हो लाइक दिस। तो ये जो लैपटॉप है ये 360 डिग्री तक हिंज हो जाता है, जिससे आप इसको टैबलेट की तरह भी यूज कर सकते हो। सो बेसिकली 180 डिग्री में भी आप हिंज करके इस लैपटॉप को यूज कर सकते हो, एंड 360 डिग्री में भी। सो इन शॉर्ट यहाँ पे आपको डिस्प्ले भी अच्छा मिल रहा है, यहाँ पे आपको हिंज भी अच्छा मिल रहा है, प्लस जो क्वालिटी है यहाँ पे वो भी काफी ज्यादा अच्छी है लैपटॉप की। टेंट मोड पे अगर आप कॉन्टेंट कंज्यूम करते हो, मल्टीमीडिया कंज्यूम करते हो, तो काफी ज्यादा बेस्ट होने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम कीबोर्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको कीबोर्ड भी काफी ज्यादा अच्छा मिलता है, इट्स वेरी क्वाइट गुड, एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको ये बैकलिट कीबोर्ड मिल जाते हैं, एंड फ्रंट फायरिंग यहाँ पे आपको स्पीकर्स भी मिलते हैं, जो आपको फ्रंट में वही कीबोर्ड के साइड में आपको मिल जाते हैं, जिससे जो आपका मल्टीमीडिया कंज्यूम है, जो स्पीकर्स आपको मिलने वाले हैं, वो काफी अच्छे मिलने वाले हैं। प्लस यहाँ पे जो टच पैड का साइज है वो भी काफी बड़ा आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको कीबोर्ड भी काफी देखने को अच्छा मिल रहा है, स्पीकर की क्वालिटी भी काफी ज्यादा लाउड है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में आपको यहाँ पे 14 इंच का आपको यहाँ पे IPS LCD पैनल मिल जाता है विद टच स्क्रीन, 250 निट्स की ब्राइटनेस है। यहाँ पे मैं ब्राइटनेस के लिए जरूर बोलना चाहूंगी कि अगर थोड़ा सा ज्यादा होता, लाइक 300 होता, 400 तो ज्यादा बेटर होता, यहाँ पे आपको 250 निट्स की ब्राइटनेस मिल रही है, एंड दैट इज ऑल्सो सफिशियंट। बट यहाँ पे जो बेजल्स है, यहाँ पे आपको थोड़े एवरेज से ज्यादा आपको बेजल्स देखने को मिलेंगे, काफी ज्यादा भी नहीं है, लेकिन आप इसको कम भी नहीं बोल सकते, तो बेजल्स आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। प्लस वहाँ पे आपको ऊपर की साइड में 1080p का आपको वेब कैम भी मिल जाता है, एंड दैट इज फुल HD आपको यहाँ पे वेबकैम मिलता है विद प्राइवेसी शटर, और दो नॉइस कैंसिलेशन भी आपको मिलते हैं, यानी कि जब आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो तो अपना नॉइस कैंसिलेशन तो आप ऑफ कर ही सकते हो, रिड्यूस कर ही सकते हो, प्लस आप सामने वाले का भी बैकग्राउंड नॉइस को भी आप यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हो, तो ये काफी ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे आपको प्राइवेसी के लिए प्राइवेसी शटर भी दिया गया है, जिसको आप अपने नीड्स के अकॉर्डिंग आप इसको ऑफ कर सकते हो। प्लस यहाँ पे अगर मैं प्राइसिंग एंड यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आपको प्राइस का भी आइडिया लग जाएगा, स्पेसिफिकेशन का भी आइडिया लग जाएगा। सो बेसिकली ये जो लैपटॉप है, जो इसका बेस वेरिएंट है, वो स्टार्ट हो जाता है 55,000 टू 80,000 to 90,000 तक जाता है, और जो इंटेल कोर है वो i3 i5 i7 है। सो इट्स ऑल अबाउट यू कि आपको इसमें से कौन सा वेरिएंट बाय करना है आपके नीड एंड यूजर के अकॉर्डिंग। तो अगर आप बेस वेरिएंट लेते हैं रेगुलर यूज के लिए 13 जनरेशन के लिए, तो बेस्ट होने वाला है। प्लस इसके अंदर जो आपको रैम टाइप मिलता है वो है LPDDR5, आपको यहाँ पे रैम टाइप मिल जाता है, और जो सबसे ऊपर वाला वेरिएंट है वो 16 GB रैम है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग वेरिएंट्स मिल जाते हैं आपके नीड एंड यूजर के अकॉर्डिंग, तो आप इसको अपने नीड एंड यूजर के अकॉर्डिंग ही बाय करिए। सो वन थिंग मोर कि यहाँ पे आपको जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस होने वाला है, यू विल डेफिनेटली एंजॉय, बिकॉज यहाँ पे आपको स्पीकर्स में डॉल्बी एटमॉस का भी आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, एंड वेव्स मैक्स ऑडियो प्रो ट्यून्ड भी है, यानी कि यहाँ पे आपको मल्टीमीडिया में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी है, यू डेफिनेटली एंजॉय इट। सो यहाँ पे आपको एक और चीज है, माई डेल नाम का एक डैशबोर्ड है सॉफ्टवेयर में, जिसमें आप अपने विंडोज को
कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे कि कलर्स, डिस्प्ले आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, अलग अलग मोड भी मिल जाते हैं, लाइक मूवी मोड है, स्पोर्ट्स मोड है, एनिमेशन मोड है, तो इन सारी चीजों को आप कस्टमाइज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। एंड इसके अलावा यहाँ पे कम्फर्ट व्यू भी है जो कि आपको लो लाइट में काफी ज्यादा यूज आने वाला है। एंड ये टीवी रेडलाइन सर्टिफाइड है जिसकी वजह से आपकी जो आईज है वो हार्म भी नहीं होगी। ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है बेसिकली माइडल डैशबोर्ड के थ्रू। इवन आप यहाँ पे बैटरी को भी देख सकते हो कि कितने परसेंट ये बैटरी ड्रेन हो रही है, इवन आप इसको ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो। बैटरी की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 54 वॉट आवर का यहाँ पे आपको बैटरी मिल जाता है विद 65 वॉट चार्जिंग स्पीड के साथ, और ये 60 मिनट में 0 to 80% चार्ज हो जाता है, एंड दैट इज गुड। एंड यहाँ पे आपको अगर आप वीडियो मोड में आप सारी चीजें देखते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं, तो 10 से 12 घंटे का आपको यहाँ पे बैटरी बैकअप मिल जाता है। सो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल रहा है, एंड बैटरी बैकअप भी आपको इस लैपटॉप में अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी के लिए एक और चीज मिल रही है, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको यहाँ पे दिए गए हैं, और ये जो 2-in-1 लैपटॉप है जो टैबलेट की तरह आप इसको यूज कर सकते हो काफी ज्यादा अच्छा है। इवन यहाँ पे आपको कीबोर्ड्स पे भी बैकलिट कीबोर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो यहाँ पे आपको वाईफाई 6E का सपोर्ट मिलता है, ब्लूटूथ 5.0 है, और डेल ने इस लैपटॉप को इतना टेस्ट किया है कि लाइक 20,000 टाइम्स अगर आप इसको हिंज करते हो, यानी कि अगर इसको आप ओपन क्लोज करते हो, तो ये 4 to 5 साल तक आप इजिली यूज कर सकते हो, लाइक ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए लैपटॉप होने वाला है। और अगर आप इंटेल का i7 16GB वाला अगर आप ये लैपटॉप बाय करते हो तो आप इसके अंदर लाइट गेमिंग भी कर सकते हो, यानी कि आप हल्की फुल्की गेमिंग भी आप इस लैपटॉप के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको इंटीग्रेटेड IRIS XE आपको यहाँ पे ग्राफिक कार्ड भी मिल जाता है, और इवन आपको यहाँ पे बॉक्स में स्टाइलस भी मिल जाता है। अगर आप कोई आर्टिस्ट है या फिर आप नॉर्मल यूज करना चाहते हैं तो आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। इवन यहाँ पे ये काफी अच्छी क्वालिटी के साथ भी आया है। तो दोस्तों मैं यही कहूंगी कि प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो इसका प्राइस है लाइक 55,000 से जो स्टार्टिंग प्राइस हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो स्पेसिफिकेशन मिल रहे हैं, आपको यहाँ पे बहुत सारी अच्छी स्पेसिफिकेशन मिल रही है, जैसे कि यहाँ पे आपको डिस्प्ले अच्छा मिल रहा है, टच स्क्रीन है, 2-in-1 लैपटॉप है, आप इसको लैपटॉप की तरह यूज करिए, टैबलेट की तरह यूज करिए, तो ये चीज आप इसके अंदर कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पे अपने विंडोज को भी कस्टमाइज कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें, फास्ट चार्जिंग का आपको सपोर्ट भी मिल जाता है, तो इस लैपटॉप के अंदर ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। एंड प्राइस रेंज भी काफी बजट फ्रेंडली है, अगर आप इस प्राइस रेंज में कोई अच्छा लैपटॉप बाय करना चाहते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है, या फिर अगर आप एक हाउसवाइफ भी है, अगर आप प्रोफेशनली भी इसको यूज करना चाहते हो, तो कोई भी हार्म नहीं है, आप इसको इजीली यूज कर सकते हो, एंड इजी टू कैरी भी है। सो ये ओवरऑल लैपटॉप मुझे काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें काफी, क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो इतनी भी स्पेसिफिकेशन मैंने देखी है, काफी सही स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल रही है, एंड जस्ट बिकॉज ये 2-in-1 लैपटॉप है तो और भी अच्छी बात हो जाती है। तो इस लैपटॉप का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जरूर जाके वहां से चेकआउट करिए, और बाकी आपको ये लैपटॉप कैसा लगा ये चीज आप मुझे बता सकते हैं। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए एंड शेयर करिए, एंड फॉर मोर सच वीडियोस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर चैनल। थैंक यू।